हेलो दोस्तों, किसी ने कहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच माय डियर, लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आज इस चैप्टर के जितने भी आपके डाउट होंगे, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसके जितने भी डाउट होंगे आज आपके सारे क्लियर हो जाए। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी नोट्स हैं उठाकर बैठ जाइएगा और राइट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। So, आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, यानी जैसे हम कैसे हम सांस लेते हैं, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र का, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हेल्प करेंगे इस सिस्टम में, तो इसी को इसलिए कहते हैं तंत्र, यानी पूरा सिस्टम बन जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन इसमें काम करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा भूमिका है, इसीलिए इस क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, देखिए बिना ऑक्सीजन के तो सांस संभव है ही नहीं, अगर ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो उसी रूप से जो पूरी श्वसन की क्रिया है श्वसन तंत्र में, तो वो ऑक्सीकरण पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। मूल रूप से ये ऊर्जा तथा उष्मा दोनों प्रदान करती है। अब देखिए उष्मा ऊर्जा, जिस श्वसन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, मैं अभी आगे बताऊंगा, पूरा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है कैसे कैसे ऊर्जा मिलती है। ठीक, उष्मा आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, बल का परिवहन हमारे शरीर में हो रहा है, रक्त का परिवहन हमारे शरीर में हो रहा है, तो ये रक्त क्या है, जब तक हमारा ब्लड चल रहा है हमारे रगों में, नसों में, तो जब तक हमारे शरीर का तापमान बना हुआ है, और ठीक अगर ये रुक जाए तो हमारा शरीर मरने के बाद, देखा होगा आपने किसी मृतक शरीर का, उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों क्रिया क्या करती है, नियंत्रण करती है, ऊर्जा और उष्मा। ये एक अपचायी क्रिया है, कैटाबॉलिक क्रिया है। कैटाबॉलिक, अपचायी का मतलब होता है कि चीज को तोड़ना, कैटाबॉलिक, और एनाबॉलिक का मतलब होता है कि चीज को जोड़ना। तो ये एक अपचायी क्रिया है। ठीक उसी प्रकार जो श्वसन अंग की बात करेंगे, कि श्वसन अंग में कौन कौन सा अंग शरीर का भाग लेता है, हमें नॉर्मली पता है कि जैसे हमारी नाक हो गई, हमारा मुंह हो गया, अगर हम नाक बंद कर ले तो मुंह से सांस ले रहे हैं, अगर मुंह बंद कर ले तो नाक से सांस ले रहे हैं, तो ये क्या हमारे श्वसन अंग होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये हमारे श्वसन अंग नहीं होते, ये सांस लेने का एक रास्ता है, इतना कह सकते हैं, लेकिन मेनली अंगों के बारे में सकते हैं कि हम सांस किस अंग के द्वारा ले रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम मेंढक की बात करेंगे। तो मेंढक, जब टैडपोल का मतलब होता है मेंढक, यानी मेंढक का बच्चा, जब मेंढक का बच्चा होता है, जो बच्चा होता है मेंढक का, तो वो अपने यहां, जब पानी में देखा होगा मछली की तरह होता है वो, तो वो अपने गिल्स से सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है, क्लोम से सांस लेता है। ठीक उसी प्रकार जब मेंढक मट्टी के अंदर रहता है, आपने देखा होगा मेंढक का बिल बनाकर भी रह सकते हैं, तो उसी प्रकार से जब मट्टी के अंदर होता है मेंढक, तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक उसी प्रकार जब जमीन पर होता है, तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है जवानी में। तो ठीक उसी प्रकार से मेंढक तीन तरह से, तीन जगह से सांस ले सकता है, ये सब इसके श्वसन अंग हो गए। उसके बाद जलीय जीव, जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, वो सब अपने गिल से सांस लेते हैं, जैसे मछली हो गई, आपने मछली के गलफड़े देखे होंगे। ठीक इसी प्रकार से उसके गलफड़े होते हैं, ठीक इस जगह पर उसके क्लोम होते हैं, ये यहां पर ऐसे, तो इन चीजों को हम बोलते हैं गलफड़े, यानी क्लोम, गिल्स। इस चीज से ही अब मछली क्या लेती है, अपना श्वसन, अपनी श्वसन की क्रिया करते ही यही उसका श्वसन अंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जितने भी कीट होंगे, वो श्वसन, श्वास नली के द्वारा क्या लेंगे, अपना श्वसन करेंगे, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे मैंने आपको आहार नाल में बताया था, कि पाचन तंत्र में बताया था, आहार नाल जिसके अंदर भोजन क्या करता है, ट्रैवल करता है, उसी प्रकार से कीट श्वसन नाल होती है, ट्रैकिया होता है, जिसके अंदर श्वसन यानी कि वायु ट्रैवल करती है, श्वास नली बोलते हैं, जिसे हमने ट्रैकिया कहा है। ठीक उसी प्रकार से स्तनधारी, वो अपने लंग से सांस लेते हैं, इसमें मनुष्य वगैरह सब आ जाएंगे, क्योंकि स्तनधारी जीव वही जीव होते हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, कुतिया हो गई, सॉरी कुतिया, माफी चाहूंगा। ठीक उसी प्रकार से ये सारे जीव क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये बच्चे को दूध भी पिलाते हैं और क्या करते हैं, जन्म देते हैं।
ठीक उसी प्रकार से इसके कुछ अनुवाद भी हैं, वो हम आगे की बात करेंगे। उसके बाद आ गया स्वच्छवास, यानी कि ब्रीथिंग क्या होता है, स्वच्छवास की क्रिया क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होती है। या आपने सोचा होगा कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होता है सांस लेना, यानी कि ब्रीथिंग बोलते हैं सांस लेने को और सांस बाहर निकालने की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। सांस में अब क्या है, मैंने सांस लिया और इसको छोड़ दिया, तो सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छवास ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक, मैंने ब्रीथिंग को दो भागों में यहां पर डिवाइड किया है। सांस जब मैं अंदर ले रहा हूं उस क्रिया को निश्वसन यानी इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और सांस बाहर छोड़ने को निःशोषण। यहां पर देखिए ये लगे हुए हैं निःशोषण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ठीक उसी प्रकार से सांस बाहर छोड़ना और अंदर छोड़ना, अंदर लेना, माफी चाहूंगा। ठीक, जब हम सांस, अब देखिए वही वायुमंडल है, पूर्ण रूप से आप यहां देख सकते हैं, अगर ये वायुमंडल है हमारा, तो ये वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। यहां पर इस वायुमंडल में नाइट्रोजन भी होगी, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होगी, इस वायुमंडल में CO2 भी होगी और कुछ और अदर गैसें भी होंगी। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है कि इस वायुमंडल में से छांट छांट के हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया, ऐसा तो नहीं है। तो जितने पूरी गैसों का मिश्रण है पूरा हमारे अंदर जाएगा, तो जितना नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में 78%, तो 78% हम नाइट्रोजन अंदर लेते हैं, 21% ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक, 0.039% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। इन सभी गैसों को, मेनली और भी गैसेस हैं लेकिन हम मेनली यही होती हैं, तो इन गैसों को हम अंदर की ओर खींचना क्या कहलाता है, निःशोषण कहलाता है ये सब गैसों को। ठीक उसी प्रकार हमारा जो आता है, जो गैसों को हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम बाहर गैस, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन जितना अंदर लिया था हमने उतना ही बाहर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन 21% लिया था लेकिन यहाँ पर घटकर कितना हो जाएगा, 17%, 4% की क्या हो गई, कमी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जितना हमारा यहाँ पर CO2 था, इस 4.6% तक क्या आता है, हम बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुई, घटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं जब सांस लेते हैं। मार्ग, श्वसन मार्ग के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो श्वसन मार्ग वही मार्ग है जो क्या, जिससे क्या होगा, जिस मार्ग से ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से गुजरती है, यानी कि शरीर के, यानी हमने नाक से लिया, नाक से या मुंह से लिया, जहां जहां पर जाएगी उस रास्ते को क्या हम क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। यानी कि वायु जिस मार्ग से होकर गुजरती है या जिस मार्ग से अनुकरण करती है उसे क्या कहते हैं, हम श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक, सबसे पहला जो मार्ग हो जाएगा वो नासा छिद्र हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नासा छिद्र हो जाएंगे। ये हमारी नाक हो गई, इस नाक के दो ये छिद्र हो गए, इनको हमने क्या कहा, नासा छिद्र। ये मैंने आपको नाक में भी जब पढ़ाया था उसमें पूर्ण रूप से मैंने आपको बताया था, ये नासा छिद्र हो गए। ठीक इसी नासा छिद्र के बाद जब ये वायु ऊपर जाएगी तो ये नाक की यहां पर हड्डी आती है, बोन, जहां सेप्टम होता है, ये जिस हड्डी को क्या बोलते हैं, नासा कपाट। क्या बोलते हैं यहां पर, नासा कपाट। ये हो गया नासा कपाट। अब इस नासा कपाट से जो वायु जाएगी, इस नासा कपाट से जाएगी ग्रासनी में, इसे कहते हैं फेरिंग्स यानी हलक, हलक में जाएगी। जैसे आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि कातिया ये मजदूर कहते हैं, हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जुबान खींच लेगा, तो वो उसी हलक में क्या जाएगी, यहां पर क्या जाएगी, वायु जाएगी। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर हलक, हलक के बाद जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स ये होता है, ये हमारी वायु को अगर मैं इसे दबा दूं तो देख रहे होंगे आप आवाज क्या है, यहां से कंट्रोल होने लगेगी, क्या होने लगेगी, कंट्रोल होने लगेगी। यानी कि ये है स्वर तंत्र, यानी कि ये क्या करता है, वॉइस को कंट्रोल करने का काम करता है। यहीं से क्या होती है, वॉइस कंट्रोल होती है, कंट्रोल होती है। उसके बाद जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाएगा यहां से हमारा ब्रंचॉय में, फिर ब्रंचॉइल्स, फिर एल्वोली, फिर ब्लड, फिर यहां से सेल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे आगे हम पूर्ण रूप से चित्र में समझेंगे। यहां से आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो इससे आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से चित्र में कि किस किस द्वारा, डायग्राम के द्वारा बताएंगे कि किस किस द्वारा जो वायु होती है वो किस किस स्टेज में जाती है, किस किस मार्ग से गुजरती है। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में हम इससे अगला वाला पार्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
डस्ट बोलो डस्टर।